चावल पकाने के लिए हमने पानी रखा है इस चूल्हे पर। पानी को उबालेंगे। उबलने के लिए पानी हमने रख दिया है चावलों के लिए। यहाँ पर हमने 1.5 कप लिया है चावल, उसको पानी में डिप करके पॉट में पैन में रख दिया है। ठीक है। तो मीन वेल जैसे ही हमारा पानी उबलता है, हम चावल अपने उबले हुए पानी में डालेंगे। और राइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी हमारा उबल चुका है, इसमें अब हम ऐड करेंगे अपने चावल। चावल जिस पानी में आपने डिप किए हुए थे वो पानी आपने गिरा देना है बेसन में, और सिर्फ चावल आपने इसमें ऐड कर देने हैं। आग आपने मीडियम रेंज पे रखनी है, मीडियम से भी ज़रा थोड़ा नीचे, लोअर मीडियम पे आप समझ लें कि आग रखनी है आपने। और इसको देखते रहना है टाइम बाय टाइम। 2 से 3 उबाले मैक्सिमम आते हैं, आपके चावल बिल्कुल तैयार हो गए होते हैं। अब हम इसको ढक्कन दे के रख देंगे उबलने के लिए। ये तकरीबन 2 उबालों के बाद आपने चेक करना है अपने चावलों को, ऐसे थोड़ा सा ले के कि आया कि उबल चुके हैं कि नहीं। चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। चूल्हा हम इसका कर देंगे बिल्कुल 0 पे, और इसको हम अपने स्टिनर में यहाँ पे उल्टा लेंगे। चावल बनाने का एक और तरीका है, आप उतना पानी डालते हैं जितने आपने चावल पकाने हैं उस हिसाब से। उसमें आपको यूँ चावल नहीं, इस तरह पानी इसका नहीं निकालना पड़ता चावलों का। वो क्या है कि पानी आपका सारा वैसे ही सूख जाता है, कि मैं इस तरह दूसरे तरीके से पकाता हूँ। चावल आपने इस तरह हिला लेने हैं ताकि जुड़े ना आपस में, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। दूसरा जो आपका पॉट है उसमें आपने चावल के हिसाब से 1 या 2 चम्मच देसी घी का डालना है चावल डालने से पहले। इससे क्या है कि टेस्ट चावलों का बहुत अच्छा आता है देसी घी के साथ। 2 मिनट बाद आपने चावल अपने सारे वापस उसी तेज़ी में डाल देने हैं। क्योंकि मैंने इसमें नीचे देसी घी के 1.5 स्पून मैंने देसी घी का ऐड किया था, मैं इसको मिक्स कर लूँगा। और इसका ढक्कन आपने 10 to 20 मिनट्स के लिए ढक्कन इसके ऊपर नहीं देना, ताकि चावल आपके जुड़े ना, और जब आप इसको सर्व करें तो ये दाना दाना चावल आपके सर्व हों, हलवा नहीं बनेंगे चावल अगर आप इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमारे चावल इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं।